हाई ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। होप आप सब बहुत अमेजिंग हैं और परमात्मा का आशीर्वाद आप सभी पे बना हुआ है। दोस्तों, आज हम वीडियो पे बात करेंगे फरिश्ते या एंजल्स आपसे कैसे कनेक्ट होते हैं, और अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, कुछ साइंस और सिम्टम्स के द्वारा नहीं देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस माध्यम के थ्रू आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कैसे गाइडेंस देते हैं, आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं, इस वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करने वाले हैं। अभी बात करूंगा कि कैसे वो टेक्निक है जिसके माध्यम से हम कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने कोटेशन डाली थी अपने स्टेटस पे, जिसमें मैंने जुड़वा आत्माओं के बारे में बताया था, जिसमें काफ़ी लोग तो जानते हैं कौन सी बुक है, लेकिन काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये कौन सी बुक है। तो जुड़वा आत्माओं के बारे में कुछ डिटेल, बहुत सारी बुक्स हैं और इसको लिए मैंने एक डिटेल से मेडिटेशन भी कराया है, और बहुत जल्द मेडिटेशन आने भी वाला है, अराउंड 25 के करीब आएगा आपको इस जुलाई के आसपास, उसमें ट्विन फ्लेम मेडिटेशन होंगे, तो आप जीवात्मा जगत के नियम से ये डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ इन जुड़वा आत्माओं को, इन ट्विन फ्लेम्स को किस तरीके से फरिश्ते गाइड करते हैं, एंजल्स से कैसे कनेक्ट होते हैं, जिन भी एंजल्स का आपने नाम सुना है। जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, चलो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, एंजल्स कौन होते हैं, ये फरिश्ते कौन होते हैं? डेफिनेटली ये हायर सोल्स होती हैं। वो आप ही जैसे आप साधना करके, ध्यान करके एक हायर स्टेज पर होते हैं, आप भी उस स्टेज में पहुंच सकते हैं। असेंडेंट मास्टर उन्हें कहते हैं। आप भी असेंडेंट मास्टर बन सकते हैं बिफोर मोक्ष। अगर कोई व्यक्ति मोक्ष नहीं पाना चाहता, तो इन असेंडेंट मास्टर्स, इन एंजल्स के फॉर्म में भी बहुत लंबे समय तक सेवा कर सकता है। कोई भी लाइट वर्कर्स जैसे होते हैं, वो साधना करके हायर फॉर्म में पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर छठे या सातवें लोक की जो आत्माएँ होती हैं, इससे ऊपर की जो आत्माएँ होती हैं, डेफिनेटली उनके अंदर जब करुणा क्रिएट होती है, तो वो यहाँ पे जनमानस की, लोगों की सेवा करने के लिए हमसे कनेक्ट होती हैं। और इसी बार क्रम में आपको जुड़वा आत्माओं की भी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। क्या इन एंजल्स कैसे होते हैं? देखिए, देखने में ये हम आप जैसे ही होते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ पहना होता है, ब्राइट चोगा पहना होता है, लेकिन सम टाइम ये ऐसे दिखते हैं, जब आप उड़ते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो वो विंग्स जैसे दिखते हैं। तो हमको एक परिकल्पना बनी हुई है कि एंजल्स के विंग्स होते हैं, लेकिन वो उनका ऑरा होता है, उनके कपड़े क्लॉथ होता है जो डिवाइन होता है, इस वजह से वो शाइन कर रहा होता है। तो हमको उनकी आभा देख के एक विंग्स की तरह, एक ऑरा की तरह एहसास होता है। इस वजह से हम जब ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम्स को भी ऐसे विंग्स की तरह दर्शाते हैं। तो ये उनका ऑरा को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है, जिन भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो बताते हैं। हम अगर क्रम में बात करें, तो फरिश्ते से कनेक्ट होने की जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कएंजल माइकल हो गए, जो सेनापति हैं सभी एंजल्स के, सेंट जर्मेन हो गए, ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े एंजल एरियल हो गए, और बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स आपकी हमेशा सपोर्ट करते हैं। जब हम गॉड की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं, या किसी देवी देवताओं की बात करते हैं, ये बहुत शक्तिशाली शक्तियाँ हैं। आप इनसे भी कनेक्ट हो सकते हो, जिस तरह एंजल्स आपकी मदद करते हैं, ये शक्तियाँ भी आपकी मदद करती हैं। आप इनको भी इनवाइट कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति इन शक्तियों के द्वारा अट्यून्ड है। मैं काफ़ी जल्दी अट्यूनमेंट भी देने वाला हूँ अलग अलग देवी देवताओं से, जिनको आप कॉल कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो सबसे पहले मेरी एक मैथड को समझ लीजिए। आप अपने शांत चित्त होके एक जगह पर बैठ जाइए आसन लगा के, और वहाँ पर आपको डेफिनेटली बार बार कॉल करना है उस एंजल का जिसको आप बुलाना चाहते हैं, उस एंजल को कॉल करना है। अगर आपको रेकी आती है, आपको कोई थेरेपी आती है, तो उसी का प्रयोग भी कर लीजिए अपने बॉडी को क्लीन और हील करने के लिए। ऑरा को शुद्ध कर लीजिए। आपको अगर रेकी आती है, चौकोरे वगैरह डाल के चारों कोनों में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको ये रेकी नहीं आती है, तो भी आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके, आधे 40 मिनट मेडिटेशन करने के बाद उन्हें कॉल कर सकते हैं। कॉल जो प्रोवोक है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। अगर प्रोवोक जितना पावरफुल होगा, आपकी पॉसिबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी उस डिवाइन सोल के, उस एंजल के आने की। जब वो एंजल्स आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, क्या मेरा जो पार्टनर है ये ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। डेफिनेटली आपको जल्दी ही इसका आंसर मिल जाता है। यही एंजल्स आपको डिफरेंट नंबर्स के द्वारा, सिग्नोसिटीज के द्वारा आपको तरह तरह से मार्गदर्शन देते रहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं कंटिन्यू। इसी कारण से आपका आध्यात्मिक रास्तों पे जो रुझान है वो बना रहता है, आप उससे भटकते नहीं हैं, और आप कहीं ना कहीं इस लौकिक संसार में, इस भौतिक संसार में ज़्यादा अपने आप पे फोकस या मटेरियलिस्टिक नहीं हो जाते। आप दोनों को संतुलित करके चलते हैं, अपनी सेक्चुअल एनर्जी को हायर लेवल पे ले जाते हैं, और उसे वाइट तंत्र के द्वारा, जैसे कि हम किसी व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं, अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर देते हैं या डिफेक्टिव कर लेते हैं, उसी प्रकार जब हम वाइट तंत्र करते हैं, जैसे हम हायर लेवल पर ले जाते हैं, उस एनर्जी को हायर फॉर्म में बदलते हैं, हार्ट चक्र,
और वहाँ पे विशुद्धि चक्र, वहाँ पे मतलब ये छठा लोक ये है आपका, विशुद्धि है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऐसे ऐसे करते करते आपके सभी लोकों को क्रॉस करते हैं, और जैसे जैसे आप इन लोकों को क्रॉस करते हैं, इन चक्रों को क्रॉस करते हैं, आप एक्चुअली लोकों को क्रॉस कर रहे होते हैं। ये जो चक्र हैं आपके ऊर्जा सेंटर्स हैं, आपके शरीर और दूसरे लोक की जगत के बीच की जो दूरियाँ हैं उसको भर देते हैं। आपकी चेतना इन चक्रों के माध्यम से इस शरीर में है। अगर आपने ये हमेशा के लिए हार्ट चक्र क्रॉस कर लिया तो डेफिनेटली आपका चौथा लोक क्रॉस हो जाएगा, आपके अंदर प्रेम की समझ बहुत अच्छी आ जाएगी, और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जो आपका पर्पस मिला था वो पूरा हो जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये किस प्रकार से, चलिए गाइडेंस करते हैं, इसको जान लेते हैं। देखिए ट्विन फ्लेम्स की जर्नी क्या होती है, एक दूसरे को सिखाने और लर्निंग कराने की होती है। इसके लिए चाहे सेपरेशन हो, अप डाउन है, फ्लक्चुएशंस आए, या फिर साथ रह के मैरिज करें, कुछ भी स्थिति क्रिएट हो, लेकिन एट द एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट होते हैं जिससे आप लर्न करते हैं, रोते हैं, क्राई होता है और आपके अंदर हीलिंग होती है। अगर इन सभी प्रोसेस से आप गुजर चुके हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर चुके हैं, तो मेरी इस बात को आप बहुत बखूबी रियलाइज़ कर रहे होंगे कि किस तरीके से जब ट्विन फ्लेम छोड़ के जाता है आप इस लाइफ को रियलाइज़ करते हैं, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं, आपका जो पर्पस होता है वो पूरा। उस समय आप देखेंगे जब आपको कोई पर्सन छोड़ के जाएगा कितने सारे नंबर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। उस समय आपके एंजल्स उस समय इनिशियल स्टेज में वो ज़्यादा गाइड करते हैं, क्योंकि जब भी आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज में होती है, जब आप इस जर्नी में आते हैं तब भी आपको बार बार नंबर दिखाए थे, मार्गदर्शन दिया था इन फरिश्तों द्वारा, और जब आपको काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम आपका दूर जाता है तभी भी आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिखाए जाते हैं जब आप अकेले होते हैं। डेफिनेटली उसी समय इस तरह के वीडियो, इस तरह का कंटेंट भी फ्लैशेज होने लगते हैं। आप इस जर्नी को पूरा कर लेंगे, यकीन मानिए, और हर व्यक्ति पूरा कर सकता है, लेकिन अगर इस लौकिक जगत में वो इन एंजल्स को, मैसेजेस को इग्नोर करेगा, ये उनसे कनेक्ट करना ठीक से नहीं जानेगा, जैसे कि आप आर्कएंजल माइकल को बुलाना चाहते हैं, तो सिंपली बैठ जाइए प्रोसीजर में और उनको कॉल करिए, पहले मेडिटेशन करिए उनको, फिर कॉल करिए, 40 मिनट मेडिटेशन करिए, अच्छे से मेडिटेशन करने के बाद जब आप पूरी तरह हील हो जाएं तब आर्कएंजल माइकल को कॉल करने के बाद उन्हें जो भी काम है, जो भी पूछना है आप उनसे डेफिनेटली पूछिए और उनकी हेल्प लीजिए, क्योंकि आर्कएंजल माइकल निर्भय करते हैं, आपके अंदर साहस, आपके अंदर करेज डेवलप करते हैं। तो अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज़ को लेकर, मेरी लाइफ में क्या होगा, आप अगर फ्यूचर में या पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक हैं तो वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। तो इस तरह से हमको एंजल्स की हेल्प लेनी है, और हर एंजल एक अलग कार्यों के लिए होता है। मैं बहुत जल्द एंजेलिक कोर्स ला रहा हूँ जिसमें आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं डिटेल से। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद हो पसंद आई हो, पसंद हो साथियों जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।